पद्मपुरी की जय। गुरु कैलाशपति महाराज की अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखा रहा है आज राजधानी में जो बड़ा मंगल मनाया जा रहा है, जेठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है। बड़े मंगल को लेकर के लखनऊ में सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से रात हो गई, भंडारे प्रसाद वितरण हो ही रहा है। यहाँ भक्त लोगों की कमी नहीं है और बांटने वालों की भी कमी नहीं है। तो इस समय हम लोग कानपुर रोड में, जहाँ पे हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन की भीड़ है, और साथ में श्री श्री कैलाशपति समिति के द्वारा यहाँ पे एक भंडारे का आयोजन किया गया। हमारे साथ में यहाँ पे जो है मानव अधिकार सुरक्षा परिषद एवं ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत सारे लोग हैं, और श्री श्री कैलाशपति से जो जुड़े हुए मंदिर से वो लोग भी बहुत सारे लोग यहाँ पे, तो उनसे हम बात करेंगे भंडारे को लेके वो क्या कहना चाहेंगी। तो पूनम जी शुरुआत आपसे, कहते कहते महिला फर्स्ट है तो पहले आम आदमी शुरू करते हैं। तो आज भंडारे का जो इतना भव्य आयोजन किया गया है यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। बस यही कहना चाहती हूँ कि ये भंडारा जो है, जिसका मकसद यही रहता है कि हर इंसान का पेट भरा रहे। आज के दिन कम से कम पूरे प्रदेश में यही कोशिश रहती है कि हर गरीब का पेट भर जाए, और बस यही दुआ है कि सबके घर भंडार भरे रहें, खुशियाँ बनी रहें, और इसी तरह से ये पंडाल लगे रहें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, हरी सक्सेना जी भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज जो भव्य भंडारे का आयोजन किया गया तो उसके बारे में क्या कहेंगे, और भक्तों के लिए भंडारे में क्या क्या था। आपका स्वागत। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम सर। ये बड़ा मंगल का पर्व आपको पता है, लखनऊ का विशेष पर्व है, और ये उत्तर प्रदेश में क्या भारत वर्ष में एक ऐसा पर्व है जो कि सिर्फ लखनऊ में मनाया जाता है। सौभाग्य लखनऊ वालों का। सौभाग्य है लखनऊ वालों, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो तालियां हो जाए जोरदार। आज तीसरा बड़ा मंगल है। सबसे पहले आप सबको तीसरे बड़े मंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि ये क्या बना है, क्या है, तो ये बड़े मंगल पे हम लोग हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आज हमारे यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें 3 बजे से श्री श्री कैलाशपति मंदिर में सुंदरकांड पाठ हुआ था, जिसमें कि हमारे जो महिला ग्रुप है कैलाशपति मंदिर से जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप ने आज विशेष एक आयोजन किया था और श्री सुंदरकांड पाठ किया था। उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना के बाद में ये सामने हनुमान जी का यहाँ पर पूजा अर्चना हुई और भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में हम लोगों ने कोशिश की है कुछ अच्छे व्यंजन बनाए जाएं, जिसमें कि चने, पूड़ी सब्जी, हलवा, बूंदी, शरबत, ठंडा पानी, ये सब इसका आयोजन किया गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हमारे भक्तगण यहाँ पे आए हैं, आसपास के लोग भी आए हैं जिनको वास्तव में भोजन की आवश्यकता है, जो अभी डॉक्टर पूनम ने कहा, वो लोग भी आए हैं, तो हमारा मकसद हल हो गया। भंडारा जब करेंगे तो भगवान हमारा भंडारा खुद भर देंगे। yes. और साथ में आपने इतनी वैरायटी रखी, पूड़ी भी रखी, सब्जी भी रखी, हलवा भी रखा, चना भी रखा, साथ में बूंदी भी रखी, और साथ में शरबत भी रखा। बहुत अच्छी बात। और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम हर साल कुछ ना कुछ और इंक्रीमेंट करें उसमें। तो हम कोशिश करेंगे अगले साल और भव्य भंडारा करें, यानी कि अगले साल एक वैरायटी और बढ़ जाए। यस। तो कुलदीप जी, आप क्या? आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे पधारने के लिए। और ये जो आयोजन हम लोग कर रहे हैं बड़े मंगल का, ये तीसरी बार कर रहे हैं श्री श्री कैलाशपति मंदिर के प्रांगण में। बहुत ही हर्ष का विषय है कि ऊपर वाले ने हम लोग को ये रहमत बख्शी है कि हम लोग इसको आयोजित कर पा रहे हैं। और 3 बजे से हम लोग ने सुंदरकांड का पाठ कराया। हमारी महिला ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, मुस्करा भी रहे हैं सब तो। और उसके बाद जो है पूजा वगैरह करके फिर दोबारा दरबार लगाया गया है भंडारे के, उसमें हनुमान जी की आरती की गई, हनुमान चालीसा पढ़ा गया, बहुत लोग थे यहाँ पे, 100 से ऊपर ही थे शायद। और इसके बाद हम लोग भंडारा बांट रहे हैं। हम लोग क्या बांट रहे हैं, ऊपर वाला दे रहा है और बांट रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग नहीं बांट रहे हैं, ऊपर वाले ने दिया है, उन्हीं के हाथों से बट रहा है, उन्हीं के प्रांगण में बट रहा है। और आयोजन छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जो भी कर सकते हैं वो करते हैं, दिल से करते हैं, मोहब्बत से करते हैं, और नेक कमाई से करते हैं, ये विशेष बात। हमने भी एक चीज़ देखा यहाँ पे, आप लोगों ने विशेष साफ सफाई का ध्यान रखा हुआ है। जी, ये कोशिश हमारी यही थी कि प्लास्टिक मुक्त रहे ये भंडारा,
कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि थोड़ा बहुत जैसे पॉलीथीन वगैरह है कुछ घर ले जाना चाहते हैं, उसका कोई ऑल्टरनेट है नहीं, रसेदार चीज़ें होती हैं तो उसको देने में कठिनाई आती है। बाकी हमारी सारी चीज़ें जो है वो प्लास्टिक मुक्त हैं और कोशिश की गई है कि अच्छे से अच्छा जो है व्यंजन तैयार किया जाए, शुद्ध हो, शाकाहारी हो और अच्छी तरह से बनाया जाए, प्यार से बनाया जाए, दिल से बनाया जाए। मैं अर्चना जी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारा जो मानव अधिकार ऑर्गेनाइजेशन है इसकी सक्सेस तभी तक है जब तक मंदिर कमेटी का सहयोग हमारे साथ है। और मैं मंदिर कमेटी के हमारे अध्यक्ष महोदय खड़े हैं, सचिव महोदय खड़े हैं, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ, पूरे मंदिर कमेटी का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने सबसे पहले तो मुझको यहाँ अपना कार्यालय ओपन करने के लिए परमिट किया और ये जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें बिल्कुल बराबर से शेयर करते हैं, मदद करते हैं। इस बात के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी है और बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं बजरंगबली से कि ऐसे ही हम लोगों का कोऑर्डिनेशन बना रहे और हम इस तरह कार्यक्रम आयोजित करते रहें। यानी कि आपकी संस्था में भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है तो और मंदिर के जो कुछ लोग हैं तो उनसे हम बात करेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आज इतना अपने मोहल्ले की रौनक में चार चांद लगा है। देखिए कैलाशपति मंदिर और कैलाश वाटिका हम लोग के एक गर्व की चीज है, इसकी वजह से यहाँ पे इतनी रौनक हो गई, आए दिन कुछ ना कुछ आयोजन होते रहते हैं, मोहल्ले की सफाई होती रहती है और सब लोग मिलते जुलते रहते हैं। बहुत अच्छी बात, आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे बजरंगबली की जय। और सर आपने बहुत अच्छे से लोगों को प्रसाद वितरण किया, सर काफी समझा समझा के वितरण कर रहे थे आप। ये ऊपर वाले की कृपा है, उन्हीं की देन है और उन्हीं का आशीर्वाद मानते हैं कि हमारा बिना किसी के जो हमारा प्रसाद है वो अच्छी तरह से बढ़ जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, आज जिस तरीके से इतना भव्य भंडारे का आयोजन? भव्य भंडारा क्या, ये तो भव्यता ईश्वर की है, भगवान की है, सभी की, जो हम लोग को मौका देते हैं, एक रास्ता बना देते हैं, एक माध्यम बना देते हैं। बाकी जो कर रहा है, जो कुछ हो रहा है वो सब वही कर रहे हैं, हम तो माध्यम है, हमारे माध्यम से खाली उनका प्रसाद जो है वो वितरित हो रहा है। क्योंकि आपकी जो कमेटी है और आपकी कॉलोनी के जो लोग अगर एक एक मिलता जाए तो इतने सारे लोग हो गए जिसके सहयोग से पूरा भंडारे का आयोजन। हाँ ये तो भाई ऐसा है ना कि इस समय तो चूंकि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और ज्येष्ठ के महीने में चाहे चार मंगल हो चाहे पाँच मंगल, ये बजरंग बली का कुछ ऐसा बना हुआ है पराक्रम लखनऊ शहर के लिए कि ये हम लोग मनाते हैं और इसमें अन्नपूर्णा जी जो है हर एक की मतलब किसी को भूखा नहीं छोड़ती हैं, ये सबसे बड़ा बजरंग बली के साथ में अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो यहाँ पे कुछ मातृ शक्तियाँ भी खड़ी हुई हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगी। तो मैम आपका नाम क्या है? दिव्या शुक्ला। तो आज ये बताइए भंडारे में क्या क्या प्रमुख था? देखिए हमारे यहाँ जो भंडारा है वो आज देखेंगे जैसा ज्येष्ठ का मंगल चल रहा है, मानव अधिकार के लोग एक पूरा सहयोग दे रहे हैं और देखा जाए दिन प्रतिदिन हम लोग इस सहयोग को आगे ही बढ़ा रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि जो अब किया है इससे अच्छा करें और बेहतर करें और लोगों को उनके अनुसार जो भी मानव अधिकार के जैसा कि हम हैं यहाँ पे जो भी कमियाँ हैं लोगों की सहायता करना, मदद करना है ना, उन सबका तो काम है ही। और रही बात भंडारे की, अगर देखा जाए तो अन्नपूर्णा जी की बहुत कृपा है कि हम लोग इस तरह कर पा रहे हैं और आगे नेक्स्ट टाइम आने में इससे अच्छा होगा। 100 किलो कब, 125 किलो या 150 किलो बना दे पता नहीं चलता, बिल्कुल नहीं पता चलता है। और कृपा ऐसी है अन्नपूर्णा जी की, बचता जरूर है, जो बचता है वो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा प्रसाद वितरण होने के बाद जो हमें मिल रहा है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। कैमरामैन से कहो बच्चे भी यहाँ पे जो है प्रसाद वितरण में लगे हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक, बड़े से लेके छोटे तक सभी लोग प्रसाद वितरण भी कर रहे हैं। तो मैम ये बताइए जैसे कि हम लोग देखते हैं घर में लोग तो कद्दू नहीं खाते लेकिन जब भंडारे में कद्दू पूड़ी बटती है तो बहुत चाव से खाते हैं, वो कुछ अन्नपूर्णा का माता का ऐसा आशीर्वाद रहता है कि उसको कोई छोड़ नहीं पाता, सब उसको प्रसाद समझ के चाहे कुछ भी लालायित रहते हैं प्रसाद खाने के लिए। अभी कद्दू पूड़ी बनी थी, अभी हम लोगों ने अभी कुछ चखा ही नहीं है तो अभी ये नहीं पता। हाँ मतलब सब्जी बनी है, छोले बने हैं, हलवा हम लोगों ने वितरण करा है और बूंदी है, कद्दू पूड़ी बना है। हलवा कैसा लगा? हलवा बहुत अच्छा बना हुआ था, पर मैं ये कहूँगी कि जैसे भंडारे हो रहे वो ठीक है पर साथ में बच्चों को बहुत कुछ पता चल रहा है पूजा पाठ के बारे में, हनुमान जी का महीना उनको याद रहता है जिससे कि उनका जुड़ाव भक्ति की तरफ भी बहुत हो रहा है। हर बच्चा अगर यहाँ से चला गया है वो लखनऊ छोड़ के तो मिस कर रहा है यहाँ के जेठ का, वो याद करता है, इसलिए हमको लगता है कि बच्चों में पूजा की भावना भी एक महीने में बहुत आती है जो आगे उनके काम में आएगी। मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा ये देखा जाए तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लोग पुराने समय से चला रहे हैं और बच्चे भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
और मैं कहना चाहूंगी इस समय हमारे हम लोगों ने सफाई पे भी बहुत ध्यान दिया है, आप देखिएगा। हाँ, देख रहा मैम। खा पी रहे तो एक मतलब गत्ते रख रखे हैं डिब्बे, उसी में ही वो गिलास डाल रहे हैं, उसी में दोने पत्तन जो भी है खा खा के उसी में डाल रहे हैं, तो पानी पी के भी। स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम को भी आप इस पे बहुत ध्यान दिया गया इस बार। और भी कुछ लोग हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भव्य भंडारे का आयोजन आज आपके कॉलोनी में? जय श्री राम। जय श्री राम। बजरंग बली की कृपा बने रहे, ये भंडारा इसी प्रकार निरंतर हर साल चलता रहे और इससे अच्छे से अच्छा और प्रगति करता रहे। कि और हम तो चाहेंगे मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा अच्छा कार्य करता रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। आप जानती हैं कि आज तो ये हो ही रहा है भंडारे का आयोजन, इसके अलावा भी हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहाँ पर भी ज़रूरतमंद हैं उनके लिए बीच बीच में भोजन की व्यवस्था करते रहें, वस्त्र बैंक वगैरह की व्यवस्था करते रहें, कई इस तरह के सामाजिक कार्य करते हैं। और ये तो भक्ति का सैलाब है जो आपने अभी देखा, और इसमें जो अनुभूति होती है हर्ष की, उसे शब्दों में तो व्यक्त किया नहीं जा सकता। और जो सेवा से अवसर मिलता है और उसके बाद जो एक मन की शांति है, वो भी जो है शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। तो ये आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है, और इस तरह के आयोजन हम बजरंग बली की कृपा से न केवल आज बल्कि वर्ष भर ही करते रहते हैं। हर दिन मंगलवार की तरीके हो भव्य भंडारे का आयोजन हो। कॉलोनी के लोग भी हैं जो इस भंडारे में आ करके बहुत हर्ष उल्लास के साथ में यहाँ पे अपनी खुशी का इजहार करना चाह रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मेहंदी देखता है। तो क्या कहेंगे? हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा, कि इन लोगों से पूछा भी कि यहाँ कीर्तन होता है और बहुत अच्छा। हम तो आज पहले बार आए कि हमने कहा कि लोग तो बहुत ही अच्छा है, इन लोगों ने सोसाइटी बनाई है और दामाद का काम है बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं बल्कि इनके यहाँ एक और भी होना चाहिए, जैसे किसी को कोई तकलीफ हो उसके लिए भी फौरन यहाँ से आदमी जो है। क्या नाम है मैम आपका? शिवानी। तो कैसा लगा आज जो है श्री श्री कैलाशपति समिति के द्वारा और मानव अधिकार सुरक्षा एवं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है और हमको यहाँ पे सेवा करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहले सुंदर काट का पाठ हुआ, फिर यहाँ पे प्रसाद का भोग लग रहा है और भगवान कृपा करे आगे भी ऐसा सब होता रहे और सब लोग इकट्ठे हुए और अच्छे से प्रसाद का भोग ले का आनंद ले। नमस्ते। यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कानपुर रोड पे हम लोग आए थे श्री श्री कैलाशपति समिति और मानव अधिकार सुरक्षा एवं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यहाँ पे भव्य भंडारे का आयोजन किया। बांटने वाला भी खुश है, खाने वाला भी खुश है, बनाने वाला भी खुश है और जो भगवान है वो भी उनके ऊपर कृपा बरसा करके बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ पे जो भव्य भंडारा हुआ पूरी कॉलोनी पूरी समिति और पूरे संगठन के द्वारा किया गया। उन्होंने दिखाया कि अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो अगर एकत्र होकर के इकट्ठा होकर के करते तो भगवान का आशीर्वाद उस पर जरूर विशेष रहता है। तो ऐसे ही हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि लखनऊ में जो जेठ माह का तीसरा आज मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है, तो बड़ा मंगल के दिन पे सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से रात हो गई, भंडारे में भंडारे का आयोजन हो गया और भंडारे लोग खा भी रहे हैं और लेकर के भी जा रहे हैं और भगवान के प्रति आभार भी प्रकट करके जा रहे हैं। तो आज हम लोग आए थे कानपुर रोड में जहाँ पे श्री श्री कैलाशपति मंदिर और मानव अधिकार सुरक्षा एवं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जाने लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।